उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्घाघाट में सोमवार को विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित कर प्रधानाध्यापक विनोद राम के सेवानिवृत्त पर विदाई दी गई। प्रधानाध्यापक रहे विनोद राम को पुष्प गुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। कई शिक्षक प्रतिनिधि के साथ बच्चे और अभिभावक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य एवं विनोद सर के विषय में जानकारी साझा किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने ईश्वर से विनोद राम के लिए आगे का जीवन सुखमय व्यतीत होने की कामना की। कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक रानी लक्ष्मीबाई कन्या मध्य विद्यालय ने किया। साथ ही इस कार्यक्रम में विनोद चौधरी, कृपा शंकर, सलीम अंसारी, प्रकाश स्वर्णकार, शिशिर कुमार बर्णवाल, राजेश कुमार, दामोदर यादव, रामदेव वर्मा, ओम प्रकाश पंडित, महेंद्र वर्मा, सबीर अंसारी आदि शिक्षकों की गरिमा में उपस्थिति रही। शिक्षक के रूप में योगदान किया था। उसके बाद मैं 2009 में मैं उत्कृष्ट मध्य विद्यालय अर्घाघाट में आया। तब से हम चाहते आज जो सेवा नहीं करके लेकिन इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो प्यार दिया और उनके आंखों में आंसू देखकर इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर मैं अपने सेवा से आगे, पहले भी मैं समाज सेवा करते रहता था और आज भी अपने शिक्षक हित में समाज के लिए समाज सेवा में करता हूँ। इन बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। विद्यालय के अधिवास की ओर से श्री विनोद राम प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्घाघाट का सम्मान सह विदाई समारोह रखा गया। इसमें खासकर बच्चों का जो इनके प्रति स्नेह और उदारता देखने को मिला, जो बच्चे इनके संबंध में जो चाहत था वो आज हम लोग देख के बड़ा गदगद महसूस कर रहे हैं। या आप चाहते हैं कि ये आगे का अपना जीवन सुखमय और खुशीपूर्वक व्यतीत करें। सभी विद्यालय परिवार की ओर से हम सभी लोग इनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।